गुलाबी परी की लाल लिपस्टिक। बहुत समय पहले की बात है, रामपुर नामक गांव में भीम सिंह अपने दो बच्चों के साथ रहा करता था। भीम सिंह के दोनों बच्चे रानी और राहुल बहुत ही समझदार थे। रानी और राहुल की समझदारी के चर्चे घर से लेकर स्कूल तक थे। स्कूल के दिन चल रहे थे और सभी बच्चे अपने अपने स्कूल समय से आया करते थे और पढ़ लिख कर वापस से अपने घर जाया करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन परीक्षा के बाद रिजल्ट का दिन आता है। सभी माता पिता को अपने अपने बच्चों का रिजल्ट देखने स्कूल जाना होता है। तभी राहुल और रानी की टीचर भीम सिंह से कहती है, देखिए रानी और राहुल बहुत ही समझदार और अच्छे बच्चे हैं। बिन माँ के बच्चे होने के बावजूद ये लोग समय से स्कूल आते हैं और इनका काम भी समय से पहले ही पूरा होता है। ये सब देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ भाई साहब, स्कूल में बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है जहाँ बच्चे मुफ्त में पढ़ते हैं और मुझे यकीन है कि वह स्कॉलरशिप इन दोनों बच्चों को मिल जाएगी। लेकिन स्कूल के बाकी बच्चों का मुझे नहीं पता क्योंकि सभी ज्यादा पढ़ाई को लेकर डेडिकेटेड नहीं है। टीचर की बातें सुनकर भीम सिंह बहुत ही खुश होता है और अपने दोनों बच्चों को खुशी से गले लगा लेता है। उसके बाद वो अपने घर की तरफ वापस आता है और रास्ते में वापस आते वक्त रानी और राहुल दोनों ही पेस्ट्री खाने की जिद करते हैं। भीम सिंह को अपने काम के सिलसिले से कई बार शहर में जाना पड़ता था जिसके कारण वो अपने बच्चों की देखरेख नहीं कर पाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वो अपने बच्चों का भविष्य सुनहरा बनाना चाहता था जिसके कारण वो एक दूसरी शादी सुमित्रा से कर लेता है। सुमित्रा दिखने में सुंदर थी और दिल की भी बहुत ही साफ थी। वो पहले ही दिन से भीम सिंह के बच्चों को अपनी बच्चों की तरह प्यार करती है। लेकिन दोनों ही बच्चे अपनी सौतेली माँ को अपनी सगी माँ बनाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि दोनों बच्चे सुमित्रा को नापसंद करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सुबह सुबह सुमित्रा नाश्ता बनाकर लाती है और दोनों बच्चों से कहती है, ये लो बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए आज बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। इसे खाकर तुम बहुत ही खुश हो जाओगे और ताकतवर भी हो जाओगे। ये लो रानी बेटा, तुम ये हेल्दी सैंडविच खा लो। और ये लो राहुल, तुम भी सैंडविच और चाय खाओ। रानी और राहुल को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और दोनों भाई बहन गुस्सा हो जाते हैं और दोनों ही सुमित्रा के सैंडविच को उठाकर जमीन पर फेंक देते हैं। तुम हमारी माँ बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें अपनी माँ नहीं मानता। हाँ, और स्वादिष्ट खाना तो क्या, और हम तुम्हारे हाथ से बना हुआ कुछ भी नहीं खाएंगे। हमें तुम्हारी शक्ल भी नहीं पसंद है। दोनों बच्चों की बातें सुनकर सुमित्रा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ जाकर भीम सिंह को सब कुछ बताती है। मैं दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ जी, लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है कि वे दोनों बच्चे मुझे प्यार ही नहीं करते और मेरे साथ बस सलूकी करते हैं। मैंने पता नहीं उनका क्या बिगाड़ा है जो वो मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं और ना ही वो मुझे अपनी माँ मानते हैं। मेरे बच्चे तो मुझसे भी गुस्सा है सुमित्रा, लेकिन तुम्हें पता है माता पिता होने के नाते हमें सब्र रखना चाहिए। हमारे बच्चे हमें खुद एक दिन समझने लगेंगे और फिर तुम अपने प्यार से उन्हें अपना बना सकती हो। अभी शुरुआत है ना, इसलिए तुम्हें थोड़ी परेशानी सहनी पड़ेगी। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। सुमित्रा अपनी तरफ से हर एक कोशिश करती है उन्हें अपना बनाने के लिए, बहुत सारे उपाय करती है, लेकिन दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा जिद्दी होते हैं, उसको अपनी सगी माँ नहीं मानते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और सुमित्रा दिन रात मेहनत करती है और अपने बच्चों को खुश रखने का सोचती है। लेकिन दिन रात काम करते करते सुमित्रा की तबीयत एक दिन अचानक खराब हो जाती है और सुमित्रा बेड पर आ जाती है। तभी रानी वहाँ आती है। देखो भाई, देखो आज इस औरत को, इसने तो आज बेड ही पकड़ लिया ताकि हम इसके आगे पीछे पानी और खाना लेकर घूमें। ये तो हमसे सारे काम करवाना चाहती है। इसने हमेशा से ही हमें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी है। मैं इसी की वजह से इसको अपनी माँ नहीं मानती हूँ। यह एक जाहिल औरत है
जिसे अपने बच्चे भूखे दिखने के बावजूद भी दिखाई नहीं दे रहे। तुम तो ऐसा मत बोलो रानी, कम से कम मेरी तबीयत खराब है और तुम मुझे एक गिलास पानी पिलाने की जगह ताने मार रही हो। मैंने तुम्हारी जैसी बेटी आज तक नहीं देखी। कम से कम तुम्हारे अंदर इंसानियत तो होनी चाहिए थी ना। लेकिन तुम सच में एक बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की हो। जब शादी से पहले तुम्हारे पिताजी तुम्हारी तारीफ किया करते थे तो मुझे भी लगता था कि सच में तुम दोनों बहुत ही समझदार और अच्छे बच्चे होगे। लेकिन तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुमसे ज्यादा बिगड़ैल बच्चा यहाँ इस दुनिया में और कोई भी होगा। हाँ हाँ तो ठीक है, हम बिगड़ैल ही सही। इतना कहते ही राहुल बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी सौतेली माँ को धक्का दे देता है, जिसके बाद सुमित्रा सीढ़ियों पर जाकर गिरती है और उसके सर पर गुम चोट लग जाती है, जिसके कारण वह बेहोश हो जाती है। और तभी रानी बहुत ही परेशान हो जाती है और घबराकर कहती है, काश आज हमारी सगी माँ जीवित होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। भले ही मुझे ये सौतेली माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी राहुल। तुम्हारी वजह से इनकी जान भी जा सकती थी। हे भगवान, अब आप ही कुछ करो और इन्हें बचा लो। रानी के इतना कहते ही रानी के घर में एक जादुई गुलाबी परी आती है और वो परी कहती है, रानी और राहुल तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो और ये क्या, तुम्हारे घर में ये औरत ऐसे क्यों गिरी हुई है? इसके सर पर तो गुम चोट लग गई है, तुमने इनके साथ कुछ किया है क्या? परी जी, मेरे भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई। ये हमारी सौतेली माँ है और गुस्से में आकर मेरे भाई ने उनको धक्का मार दिया, जिसके बाद इन्हें गुम चोट लग गई और हम इन्हें नापसंद करते हैं, जिसके कारण हमारी बहस चल रही थी और बहस में ही मेरे भाई ने इन्हें गुस्से से धक्का मार दिया। लेकिन आप कौन हैं और इतना तैयार होकर यहाँ पर क्यों आई हैं? रानी, मैं जादुई गुलाबी परी हूँ। मैं पृथ्वी लोक पर ऐसे ही घूमने आई थी, लेकिन मुझे तुम लोगों के घर से कुछ आवाजें आ रही थी, जिसके कारण मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारी परिस्थिति देखने आई थी। लेकिन ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा सोच में पड़ गई हूँ कि अब की जनरेशन कैसी हो गई है, जो अपने माँ बाप को स्वीकार तक नहीं करते। भले ही ये तुम्हारी सौतेली माँ है, लेकिन मैंने जितना अभी तक समझ पाया है, ये तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही व्यवहार करती थी, लेकिन तुमने इसकी इज्जत नहीं करी और इसे हमेशा ही दुख दिया है। मुझसे गलती हो गई परी जी, प्लीज कुछ करके इन्हें ठीक कर दीजिए और उसके बाद हम इनसे कुछ नहीं कहेंगे। मैं गुलाबी परी हूँ, मैं इन्हें तुरंत ठीक कर सकती हूँ, लेकिन तुम दोनों को तुम्हारी गलती का एहसास होना भी बहुत जरूरी है और वो तुम्हें हो गया। अब मैं इन्हें ठीक कर देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, इसके बाद तुम इनका खूब अच्छे से ख्याल रखोगे और इन्हें अपनी माँ की तरह ही प्यार करोगे। इतना कहते हुए गुलाबी परी उसकी सौतेली माँ को पहले की तरह ठीक कर देती है और दोनों भाई बहन अपनी सौतेली माँ को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद दोनों मिलकर अपनी सौतेली माँ से माफ़ी मांगते हैं और परी से भी माफ़ी मांगते हैं, जिसके बाद परी उनसे कहती है, रानी और राहुल तुम दोनों बहुत ही अच्छे बच्चे हो, लेकिन तुम्हारी परवरिश में तुम्हें माँ का प्यार कम मिला, जिसके कारण तुम बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हो। लेकिन अब तुमने मुझसे वादा किया है तो तुम हमेशा अपनी सौतेली माँ का ख्याल रखोगे। और ये लो, मैं तुम्हें जादुई लाल लिपस्टिक दे रही हूँ। इस जादुई लाल लिपस्टिक की मदद से जो भी तुम्हें कुछ चाहिए होगा तुम वो मांग सकते हो। और हाँ, ये जादुई लाल लिपस्टिक मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम अपनी सौतेली माँ को कभी भी परेशान ना करो। ये सुनकर दोनों बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद रानी और राहुल उस जादुई लिपस्टिक का उपयोग अपनी जरूरत की चीजों के लिए करते हैं और अपनी सौतेली माँ को हमेशा अपनी माँ की तरह ही ख्याल रखते हैं। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। सुमित्रा बहुत खुश होती है क्योंकि दोनों बच्चे ही उसका खूब ख्याल रखते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। रानी के गांव में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है जिसमें उसे पार्टिसिपेट करना था। मैंने हमेशा से पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान रखा है,
अब मैं एक फैशन कंपटीशन जीतना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे जो पैसे मिलेंगे वो मैं अपने पिताजी को इनाम देना चाहती हूँ। पिताजी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि हमें तो एक माल आकर भी दी है, बस हमें ही समझने में देरी हो गई थी, लेकिन वो सच में एक बहुत ही अच्छी माँ है। हाँ रानी, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में तुम्हें जरूर हिस्सा लेना चाहिए और हमारे घर का नाम रोशन करना चाहिए। जिसके बाद रानी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी माँ से पूछती है, माँ क्या मैं इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसमें जो इनाम मिलेगा वो मैं पिताजी को दूँ और अपने घर का नाम रोशन करूं। हाँ बेटी, तुम्हें इस कंपटीशन में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हमेशा आगे बढ़ें। अपनी माँ का सपोर्ट देखकर रानी बहुत ही खुश होती है और जादुई लिपस्टिक की मदद लेती है। हे जादुई लिपस्टिक, मैं इस फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ और आप कृपया करके मुझे इस कंपटीशन के हिसाब से सुंदर सुंदर ड्रेसेज और सैंडल मेकअप किट आदि दे दो, ताकि मैं इस कंपटीशन को आसानी से जीत सकूं। रानी के इतना कहते ही जादुई लिपस्टिक के चारों तरफ एक दिव्य रोशनी घूमती है और रोशनी घूमते घूमते रानी की मांगी हुई सारी चीजें एक एक करके रानी के सामने आ जाती है। सभी चीजें बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है और इतनी सुंदर चीजें पहली बार देखकर रानी बहुत ही खुश होती है और फिर उन सभी चीजों को एक एक करके अपने कमरे में ले जाती है। उसके बाद खुशी से झूम उठती है और फिर कंपटीशन में जाने की तैयारी शुरू कर देती है और वह खूब मेहनत करने के बाद उस कंपटीशन में पहुंचती है, जहां गांव के सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जहां रानी भी अपना टैलेंट दिखाती है। सभी बच्चे रानी के ड्रेस को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और सभी उसे उसकी ड्रेस का पता करते हैं कि उसने यह कहां से खरीदी है, लेकिन रानी उन्हें कुछ नहीं बताती है। एक एक करके सभी अपने अपने टैलेंट दिखाते हैं, जिसके बाद रिजल्ट अनाउंस होता है और उसमें पता चलता है कि रानी उस फैशन कंपटीशन की विनर होती है। रानी विनर बनने के बाद बहुत ही खुश होती है और स्टेज पर बैठे सभी जजेस रानी को इनाम के तौर पर 5 लाख की रकम देते हैं, जिसके बाद रानी वो रकम ले जाकर अपने पिताजी को दे देती है और अपनी माँ का बहुत ही धन्यवाद करती है। यह सब देखकर उसके पिताजी भी बहुत खुश होते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। जादुई रंग बिरंगी हार की खेती। बिहार के एक छोटे से गांव में जानकी अपने 2 बेटियों के साथ रहती थी, रचना और कोमल। जानकी के पति घनश्याम के कुछ सालों पहले ही कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद जानकी अकेले ही अपने दोनों बेटियों का देखभाल किया करती है, क्योंकि इन लोगों का देखभाल करने वाला तो इस दुनिया से चल बसा था। जानकी अपनी दोनों बेटियों का बहुत ही अच्छे से पालन पोषण करती है। वे लोग बहुत ही गरीब थे। वह गांव के जमींदारों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करके किसी तरह से अपना गुजारा कर रही थी। ऐसे ही एक दिन जानकी जब काम करके घर वापस आती है, तब रचना अपनी माँ से कहती है, माँ सुबह से कोमल उठी भी नहीं है, इसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और इसे बहुत तेज बुखार भी है। क्या हुआ कोमल बेटा, अचानक से तुम्हारे पेट में दर्द कैसे हो रहा है? जानकी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाए। जानकी घरेलू सारे उपाय करके देख लेती है, लेकिन फिर भी कोमल के पेट का दर्द ठीक ही नहीं होता है और न ही उसका बुखार उतरता है। कोमल पेट दर्द और बुखार के कारण पूरी रात रोती रहती है। फिर अगले दिन पड़ोस में रहने वाली काकी ने कोमल का पेट चेक किया तो पता चला कि उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है और शरीर में काफी कमजोरी की वजह से उसे बुखार लगा है, जो कि अच्छे खाने पीने नहीं मिलने की वजह से हुआ है। वह काकी उसे अच्छे से खाना खिलाने के लिए और उसका ख्याल रखने के लिए कहती है। तभी जानकी अपने दोनों बेटियों का पहले से और भी ज्यादा ख्याल रखने लगती है। जब कोमल धीरे धीरे ठीक होने लगती है,
तभी जानकी अपनी बेटी रचना से कहती है, रचना बेटी अब तुम कोमल का ख्याल रखना, मैं काम पे जा रही हूँ बेटी। नहीं माँ प्लीज, अब मुझे छोड़कर काम पर मत जाओ माँ, दीदी अभी ज्यादा बड़ी नहीं है जो कि आपकी तरह मेरा ख्याल रख सके, और मैं कल का दिन कभी नहीं भूल सकती, मुझे कल पूरा दिन पेट में दर्द और बुखार रहा है, आप प्लीज माँ घर पर ही रहो, प्लीज माँ आप घर पे ही रहो ना मेरे पास, आप आज काम पर मत जाओ माँ। कोमल बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम नहीं समझ सकती हो, इसलिए मुझे काम पर जाने दो, मैं जल्दी ही सारा काम खत्म करके घर लौट आऊंगी, और मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी सब्जी और फ्रूट भी लेकर आऊंगी। बेटा अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा, समझा करो बेटा। किसी तरह से कोमल को समझा बुझाकर जानकी काम पर निकल जाती है। इधर जानकी की मालकिन जानकी के लेट आने पर उसकी बहुत ही डांट लगाती है। क्यों जानकी, मुझे लगता है तेरा काम करने का मन नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तू बहुत ही लेट आती है, काम पर नहीं आना है तो साफ साफ बता देना, मैं आज ही दूसरी काम वाली को अपने घर पर रख लूंगी। नहीं नहीं मालकिन, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए मालकिन। बस करो, बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, शुरुआती के महीने में तो तुम लोग अच्छे से काम करते हो और फिर बाद में नखरे दिखाने लगती हो, मैं तुम्हारे जैसे लोगों की आदत अच्छे से जानती हूँ, अब चुपचाप जा यहाँ से, अपनी आंसू बहाकर मुझे मत दिखा, और जाकर पूरे घर की सफाई कर, क्योंकि कल मेरी बेटी का जन्मदिन है। उसके बाद जानकी घर की सफाई करने लग जाती है। घर की सफाई करने के बाद जानकी किचन साफ करती है, तभी गलती से कांच का ग्लास जानकी के पैर पर गिर जाता है, जिससे उसके पैर कट जाते हैं और उससे खून निकलने लगता है। जानकी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती है और रोने लगती है। जानकी के रोने की आवाज़ सुनकर उसकी मालकिन वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, मुझे लगता है कि तुझे नखरे करने की आदत हो गई है और तू आजकल बहुत ड्रामे करने लगी है, मैंने तुझे घर की सफाई करने के लिए कहा तो चोट का बहाना बनाकर काम करने से बचना चाहती है, चल जा यहाँ से, अब मैं तुझे यहाँ एक पल भी देखना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि तू बहुत बड़ी नौटंकी बाज है। मालकिन मेरे पैर पर सच में कांच का ग्लास गिरा है, आप सही से देखो मेरे पैर से खून निकल रहा है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज आप मुझे काम से मत निकालिए मालकिन, मेरा घर आपकी बदौलत ही चल रहा है। मैं तेरे इस ड्रामे को सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ, चलो जाओ यहाँ से और कहीं और जाकर काम ढूंढो। जानकी अपनी मालकिन की बात सुनकर बहुत रोती है और भटकते भटकते किसी तरह से क्लिनिक पर पहुँचती है और अपनी पट्टी करवाती है और वहाँ से घर चली जाती है। तभी अपनी माँ के पैरों पर पट्टी देखकर रचना कहती है, माँ ये आपके पैरों में चोट कैसे लगी, माँ माँ आप मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ, माँ अब से आपकी जगह काम पर मैं जाया करूँगी। अपनी बेटी को इतना फिक्रमंद देखकर जानकी अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेती है और कहती है, मुझे माफ कर दे मेरी बच्चियों, मैं तुम दोनों का अच्छे से परवरिश भी नहीं कर पा रही हूँ, और तो और आज मुझे मालकिन ने काम से भी निकाल दिया जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी, और आज मेरे पैरों में चोट भी लग गई है, अब मैं तुम दोनों के लिए कहाँ से खाना लाऊंगी और कहाँ से पैसे कमाऊंगी। अपनी माँ के पैरों में लगी चोट देखकर रचना और कोमल बहुत ही परेशान हो जाती है, और माँ के चोट लग जाने के बाद घर में खाना ना बनने के कारण रचना जंगल में खाने के लिए फल ढूंढने जाती है, और फल ढूंढते ढूंढते जंगल में बहुत अंदर चली जाती है, लेकिन पूरा जंगल घूमने के बावजूद भी रचना को एक भी फल नहीं मिलता है। तभी रचना की नज़र एक घायल चिड़िया पर पड़ती है और वह फौरन उसके पास जाती है। ओहो ये चिड़िया तो बहुत ही जख्मी हो गई है, मैं इसके जख्म को अभी साफ कर देती हूँ। रचना अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर उस चिड़िया के जख्मों को साफ करती है
और पास के तालाब से पानी लाकर उसे पिलाती है। जैसे ही रचना चिड़िया को पानी पिलाती है, वैसे ही चिड़िया बोलने लगती है, तुमने मेरी मदद की प्यारी लड़की, इसलिए मैं तुम्हें एक रंग बिरंगी हार की बीज देती हूँ। रंग बिरंगी हार की बीज? हाँ, रंग बिरंगी हार की बीज, ये लो, ये रंग बिरंगी हार की बीज है। इस बीज को अपने घर के पास वाले खेत में लगा देना। इस बीज को लगा देने से और इसकी देखरेख करने से तुम्हें रंग बिरंगी हार मिलेगी, जिसे बेचकर तुम खूब सारे पैसे कमाओगी और अपनी जरूरत की सारी चीजें भी खरीद पाओगी। रचना उस चिड़िया का धन्यवाद कर चिड़िया के दिए हुए उस जादुई रंग बिरंगे हार की बीज को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। घर पहुंचकर रचना अपनी माँ और अपनी बहन को सारी बात बताती है। यह सारी बातें सुनकर रचना की माँ बहुत ही खुश हो जाती है और फिर दोनों माँ बेटी मिलकर उस बीज को अपने खेतों में ले जाकर लगा देती है और उसमें पानी डाल देती है। रात होते ही सब सो जाते हैं और जब अगली सुबह वे लोग उठते हैं तो देखते हैं कि पूरा खेत रंग बिरंगी हार से भर गया है और इतने सारे रंग बिरंगी हार को देखकर तीनों माँ बेटी बहुत ही खुश हो जाते हैं और वह सारा हार को इकट्ठा करके मार्केट में बेचने के लिए चले जाते हैं। हार इतने अच्छे डिजाइन के और रंग बिरंगी होती है कि एक एक करके उनके सारे हार बिक जाते हैं और फिर तीनों माँ बेटी हार के बिकने पर बहुत ही खुश होती है। माँ, आज तो बहुत ही अच्छी कमाई हो गई और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम धीरे धीरे बहुत सारे पैसे कमाने लगेंगे और एक दिन हम लोग भी अमीर बन जाएंगे। माँ, इतने सारे पैसे आज हमने पहली बार देखी है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटी, हमने बहुत गरीबी देखी और उसी में अपना जीवन गुजारा, लेकिन भगवान की कृपा से आज हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो रही है। मार्केट में हार की अच्छी बिक्री होने के बाद रचना और उसकी माँ दोनों मिलकर अपने घर का राशन पानी ले आते हैं और अपनी जरूरत की सारी चीजें, जूते, चप्पल, कपड़े, सैंडल आदि मार्केट से ले आते हैं और इस तरह तीनों माँ बेटी मेहनत करके कमाने लगते हैं और उनकी सारी परेशानियाँ भी अब खत्म हो जाती है। तीनों माँ बेटी मिलकर मार्केट जाया करती और रंग बिरंगी हार बेचा करती और हमेशा की तरह उनके सारे हार बाजार उठने से पहले ही खत्म हो जाया करते थे। जानकी की इतनी तरक्की देखकर उसके पड़ोस में रहने वाली शीला काकी उससे जलने लगती है और मन में सोचती है, आखिर ये भिखारन और जाहिल लोग अचानक से अपनी जिंदगी इतने ऐशो-आराम से कैसे बिताने लगे। आखिर वे दिन कहाँ गए जब जानकी भागी भागी लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करने जाया करती थी। अचानक से इनके पास इतने सुंदर सुंदर और रंग बिरंगी हार कहाँ से आ गए? मुझे तो इस बात का पता लगाना ही होगा ताकि मैं भी इनकी तरह एक दिन हार बेचने लगूं और सुकून की जिंदगी जी सकूं। इतना सोचकर शीला काकी जानकी के घर के पीछे छुप जाती है और जानकी के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही तीनों माँ बेटी मार्केट से घर आती है तो उन्हें बात करता हुआ सुनती है, रचना बेटी, आज हम इस मुकाम पर आ गए हैं कि हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रह गई है और अब हमारी जिंदगी भी ऐसो आराम से कट रही है। बेटा, यह सब कुछ उस रंग बिरंगी जादुई हार के बीजों का ही कमाल है। हाँ माँ, अगर वह रंग बिरंगी हार का बीज मुझे नहीं मिलता तो आज हम वही गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते। इधर शीला काकी खिड़की से कान लगाकर जानकी और रचना की सारी बातें सुन लेती है और अगले दिन अपने घर के छत पर जाकर देखती है तो देखती है कि जानकी ने अपने रंग बिरंगे जादुई हार के बीज को अपने पास के खेतों में लगा रखा है, जहाँ से वह हर रोज हार तोड़कर बाजार में बेचने ले जाया करती है और उसे बेचकर पैसे कमाती है। अच्छा, तो ये बात है, तो यह अमीरी उस रंग बिरंगी जादुई हार से आ रही है, तो क्यों ना मैं इनके खेत को ही बर्बाद कर दूं? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। शीला जलन से एक दिन अपने छत से आग का एक गोला बनाकर जानकी के खेतों में फेंक देती है और बोलती है, अब देखती हूँ कैसे बचता है इनका खेत
और कैसे करती है ये रंग बिरंगी जादुई हार की खेती। इतना कहकर शीला अपने छत से छुपकर देखने लगती है कि तभी आग का गोला वापस से उसके छत पर ही आकर गिरता है। अरे ये आग का गोला तो मैंने उसके खेतों में फेंका था, लेकिन ये वापस मेरे छत पर कैसे आ गया। शीला उस आग को बुझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आग का गोला बुझने का नाम ही नहीं लेता है। यह सब देखकर शीला बहुत ही घबरा जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब मैं कभी भी जानकी के खेत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो। ठीक है, अगर तूने कभी भी रचना के परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे घर को जलाकर राख कर दूंगा। ठीक है, मैं माफ़ी मांगती हूँ और मैं कान पकड़ती हूँ, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। शीला के माफ़ी मांगते ही आग का गोला उसके छत से गायब हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ रचना और उसका परिवार अपनी मेहनत और लगन से रोज बाजार जाकर रंग बिरंगी हार बेचा करती थी और अपना घर चलाया करते। इसी तरह तीनों माँ बेटी अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।